नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास में बात करते हैं हम लोग। बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है यह, आपका सोशल मीडिया से संबंधित। तो देखेंगे आखिर यह अभी चर्चा में क्यों बना हुआ है, किस संदर्भ में इस आर्टिकल को लिखा गया है। पर बात करेंगे सोशल मीडिया से तात्पर्य क्या है आपका, उसे भी देखेंगे। सोशल मीडिया के सकारात्मक प्रभाव क्या है और नकारात्मक प्रभाव क्या है, इसके दोनों पक्ष देखेंगे। इसके सोशल मीडिया और भारत की क्या स्थिति है, उसे भी देखेंगे। सोशल मीडिया का दुरुपयोग किस तरह से होता है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सोशल मीडिया और फेक न्यूज संबंधी नियम कानून क्या है आपके यहाँ, उन्हें भी देखेंगे। सोशल मीडिया और निजता का मुद्दा क्या होता है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। बाकी तीन कौन कौन से हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और चौथा आपका लोकतंत्र। ठीक है। कुछ दिन पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका में एक अमेरिकी युवक की मृत्यु के बाद बड़े पैमाने पर हिंसक विरोध प्रदर्शन को दौर प्रारंभ हो गया। यह हिंसक विरोध प्रदर्शन स्वतः परंतु सोशल मीडिया द्वारा विनियोजित था। हमने पूर्व में अरब की सड़कों पर शुरू हुए प्रदर्शनों, जिनमें कई तानाशाहों की सत्ता को चुनौती में भी सोशल मीडिया के व्यापक प्रभाव का अनुभव किया गया। सोशल मीडिया के माध्यम से लोग अपने विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर एक नई बौद्धिक दुनिया का निर्माण कर रहे हैं। ये उसी तरह से है कि आपके यहाँ कोई, आपके आसपास कोई गलत घटना घट रही है, तो आप उसका वीडियो बनाकर या उसकी जानकारी आप सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इस तरह से आपका ऑनलाइन जो भी प्लेटफॉर्म है वहां डाल देते हैं। इसी तरह से सोशल मीडिया काम करती रहती है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का एक हमारा अहम पहलू है। इस अधिकार के उपयोग के लिए सोशल मीडिया ने जो अवसर नागरिकों को दिए हैं, एक दशक पूर्व उनकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। दरअसल इस मंच के जरिए समाज में बदलाव की बयार लाई जा सकती है, लेकिन चिंता का विषय है कि मौजूदा वक्त में सोशल मीडिया अपनी आलोचनाओं के लिए चर्चा में रहता है। दरअसल सोशल मीडिया की भूमिका सामाजिक समरसता को बिगड़ने और सकारात्मक सोच की जगह समाज को बांटने वाली सोच को बढ़ावा देने वाली हो गई है। आपने देखा होगा कि आपके मन में कुछ भी आता है आप सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक पर डाल देते हैं, और जो झूठ खबर होती है वो आपने देखा होगा इतने जल्दी फैल जाती है, आग की तरह फैलती है। कहीं हिंदू मुस्लिम इस तरह की ज्यादा दुरुपयोग किया जा रहा है इसके मामले में। कुछ समय आपका देखा होगा आपने गायों की मुद्दा उठा हुआ था, तो उस समय भी बहुत हत्याएं की गई इसको लेकर। तो ये आपका सबसे बड़ा चिंता का कारण है। इसमें बात करते हैं सोशल मीडिया से तात्पर्य क्या है आपका। सामाजिक संजाल स्थल, सोशल नेटवर्किंग साइट्स आज के इंटरनेट का एक अभिन्न अंग है, जो दुनिया में 1 अरब से अधिक लोगों का द्वारा उपयोग किया जाता है। यह एक ऑनलाइन मंच है जो उपयोगकर्ता को एक सार्वजनिक प्रोफाइल बनाने एवं वेबसाइट पर अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ सहभागिता करने की अनुमति देता है। प्रोफाइल का उपयोग अपने विचारों को साझा करने, पहचान के लोगों या अजनबियों से बात करने में किया जाता है। उदाहरण के लिए आप लोग फेसबुक ले सकते हैं, ट्विटर आदि। इन संपूर्ण प्रक्रिया में वेबसाइट पर उपलब्ध उपयोगकर्ताओं की निजी सूचनाएं भी साझा हो जाती हैं इसमें। ठीक है। यह पूरी प्रक्रिया सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित होती है, जहां विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। उपयोग के बहुविध तरीके और तकनीकी निर्भरता ने सामाजिक संजाल स्थल को विभिन्न प्रकार के खतरों के प्रति सचेत किया है। आपने देखा होगा सॉफ्टवेयर का मतलब यहाँ ये यह है कि आप लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, तो उसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तभी तो यूज करते हैं। फेसबुक भी आप लोग यूज करते हैं, उसका भी सॉफ्टवेयर आप लोग डाउनलोड करते हैं, तो वही सॉफ्टवेयर है। ठीक है। बात करते हैं सोशल मीडिया के सकारात्मक प्रभाव क्या है। सोशल मीडिया दुनिया भर के लोगों से जुड़ने का एक महत्वपूर्ण साधन है।
इसने विश्व में संचार को नया आयाम दिया है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ बैठ के आप लोग विदेश में भी किसी से भी बात कर सकते हैं, या फिर आप लोग विदेश में कोई अगर पोस्ट डाल रहा है ट्विटर पर कोई, जैसे आपके डोनाल्ड ट्रंप हैं, इनका कभी पता ही नहीं चलता, मालूम चला कि इन्हें रात में नींद नहीं आ रही है तो भी ये पोस्ट कर देते हैं, सुबह कुछ शाम कुछ, इस तरह से। तो हम लोगों को ऐसे जानकारी मिलती है कि आज डोनाल्ड ट्रंप ने ये पोस्ट बोला है, तो उनकी ट्विटर हैंडल से ही तो हमें पता चलता रहता है। अगर आप जो पोस्ट डाल रहे हैं उसको और भी लोग देख रहे होते हैं, अपने देश के भी विदेशी भी, सोशल मीडिया उन लोगों की आवाज बन सकता है जो समाज की मुख्य धारा से अलग है और जिनकी आवाज को दबाया जाता रहा है। वर्तमान में सोशल मीडिया कई व्यवसायियों के लिए व्यवसाय के एक अच्छे साधन के रूप में कार्य कर रहा है। सोशल मीडिया के साथ की गई के साथ ही कई प्रकार के रोजगार भी पैदा हुए। वर्तमान में आम नागरिकों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए सोशल मीडिया का प्रयोग काफी व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। कई शोधों में सामने आया है कि दुनिया भर में अधिकांश लोग रोजमर्रा की सूचनाएं सोशल मीडिया के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं। अब आप ही सोचिए, सोशल मीडिया ना होता तो अभी सोनू सूद किस तरह जुड़ पाते लोगों से? इस न्यूज को तो आप लोगों ने देखा है, ये सकारात्मक प्रभाव है। समझ सकते हैं कि आप उनके सोशल मीडिया पर जा रहे हैं, साइट पर उन्हें मैसेज कर रहे हैं, उनसे जुड़ रहे हैं, उन्हें अपनी समस्याओं को बता रहे हैं, तभी तो वो पहुंचा पा रहे हैं लोगों को। तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। सोशल मीडिया के अगर हम लोग नकारात्मक प्रभाव की बात करें तो कई शोध बताते हैं कि यदि कोई सोशल मीडिया का आवश्यकता से अधिक उपयोग किया जाए तो वह हमारे मस्तिष्क को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है और हमें डिप्रेशन की ओर ले जा सकता है। इसे आप लोग फेसबुक में ले सकते हैं, व्हाट्सएप में। क्या होता है कि हमें लगता है कि एक बार अगर आप 24 घंटा में, मुझे लगता है कि 24 घंटे में हम 50-60 बार तो कम से कम फेसबुक को खोल ही लेते हैं। जब कुछ नहीं रहता है तो हम तुरंत बैठ जाते हैं फेसबुक चलाने, व्हाट्सएप चलाने। मैंने हर जगह देखता हूँ, पब्लिक प्लेस में अब देखो आप कि हर कोई अपने मोबाइल में लगा हुआ है, उसे सोचने का भी टाइम नहीं मिलता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बराबर वो फेसबुक में लगा रहता है, व्हाट्सएप इस तरह के। तो ये नकारात्मक प्रभाव है, इससे आपकी दिमाग सोचने की क्षमता भी प्रभावित होती है। याद रखिए, सोशल मीडिया साइबर बुलिंग को बढ़ावा देता है या फेक न्यूज और हेट स्पीच फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। आपने देखा होगा कि कभी भी किसी ने हेट स्पीच यानी कि समाज को बांटने वाला कोई भाषण दिया, आप कुछ ही मिनट में देखते हैं कि वो आग की तरह फैल जाता है। तो एक आपका ये नकारात्मक पॉइंट है इसका। सोशल मीडिया पर गोपनीयता की कमी होती है और कई बार आपकी निजी डेटा चोरी होने का खतरा भी इसमें रहता है। साइबर अपराधों जैसे हैकिंग और फिशिंग आदि का खतरा भी बढ़ जाता है। आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से धोखाधड़ी का चलन भी काफी बढ़ गया है। ये लोग ऐसे सोशल मीडिया उपयोगकर्ता की तलाश करते हैं जिन्हें आसानी से फंसाया जा सकता है। सोशल मीडिया का अत्यधिक प्रयोग हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बड़े पैमाने पर प्रभावित कर सकता है। समझ में आए? अभी आप कुछ दिनों से आप लोग देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर फेसबुक को भी हैक किया जा रहा है। जैसे मेरा अकाउंट हैक कर लिया उन्होंने। ये हैक कैसे करते हैं कि मतलब, या फिर दूसरा अकाउंट बना लेते हैं लोग, जैसे हमसे हमारे 5-6 लोग जुड़े, हमारे म्यूचुअल फ्रेंड यानी कि हमसे जो दोस्त हैं हमारे मित्र हैं उनसे वो जुड़ जाएगा, उसके बाद क्या होता है कि वो हैक भी कर सकता है हमारी फेसबुक को। इसलिए टू फैक्टर लॉक आता है इसमें फेसबुक में, यानी कि जब आप किसी भी अकाउंट पर खोलेंगे किसी भी मोबाइल पर अन्य ब्राउजर पर तो आपको ओटीपी आएगा, जिस तरह बैंक में आता है बैंक नेट बैंकिंग में उसी तरह ओटीपी आता है, तो आप लगा सकते हैं उसे, ठीक है, आपकी सुविधा के लिए। जीमेल में भी आप लोग इस तरह का ओटीपी सिस्टम चालू कर सकते हैं। तो फिर पैसे भी मांगते हैं, आपने देखा होगा अभी कुछ दिनों से कि फेसबुक से पैसे मांगते हैं, आपका दोस्त की दूसरा हैक करके कहता है कि मुझे पैसे की जरूरत है, इस तरह से भी क्राइम बढ़ रहा है। पर बात करते हैं सोशल मीडिया और भारत की क्या स्थिति है। सोशल मीडिया ने समाज के
अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को भी समाज की मुख्यधारा से जोड़ने और खुलकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अवसर दिया है। आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में भारत में तकरीबन 350 मिलियन सोशल मीडिया यूजर हैं और अनुमान के मुताबिक बस 2023 तक यह संख्या लगभग 447 मिलियन तक पहुंच जाएगी। वर्ष 2019 में एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय उपयोगकर्ता औसतन 2.4 घंटे यानी कि 2.4 घंटे सोशल मीडिया पर बिताते हैं। इसी रिपोर्ट के मुताबिक फिलिस्तीन के उपयोगकर्ता सोशल मीडिया का सबसे अधिक यानी कि औसतन 4 घंटे प्रयोग करते हैं, जबकि इस आधार पर जापान में सबसे कम यानी कि 45 मिनट सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। तभी तो जापान सक्सेस है और विकसित देशों की कतार में जाकर खड़ा हो गया। दो बार परमाणु हमला झेलने के बाद, वरना एक बार परमाणु हमला हो जाए तो आदमी उठने की हिम्मत नहीं करता है वो देश। आपने भोपाल में देखा ना गैस त्रासदी, अभी तक भी लोग उसका कारनामा भुगत रहे हैं, उसका प्रभाव अभी भी देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया अपनी आलोचनाओं के कारण भी चर्चा में रहता है। दरअसल सोशल मीडिया की भूमिका सामाजिक समरसता को बिगाड़ने और सकारात्मक सोच की जगह समाज को बांटने वाली सोच को बढ़ावा देने वाली हो गई है। इसे आप लोग क्या करते हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर यानी कि व्हाट्सएप पर कोई भी मैसेज आए, सही हो या गलत हो, आप तुरंत दूसरी जगह फॉरवर्ड कर देंगे, आप ना चाहते हुए भी फॉरवर्ड कर देते हैं उसे। इसी तरह आप लोग फेसबुक पर करते हैं, सही जानकारी है या नहीं उससे कोई मतलब नहीं है, बस हमें शेयर करना है। भारत में नीति निर्माताओं के समक्ष सोशल मीडिया के दुरुपयोग को नियंत्रित करना एक बड़ी चुनौती बनी चुकी है एवं लोगों द्वारा इसे और गंभीरता से विचार भी किया जा रहा है। सोशल मीडिया का दुरुपयोग किस तरह से होता है इसे देखिए। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018-19 में फेसबुक, ट्विटर समेत कई साइटों पर 3,245 आपत्तिजनक सामग्रियों के फैलने की शिकायत की गई थी, जिनमें से जून 2019 तक 2,662 सामग्रियां हटा दी गई। उल्लेखनीय है कि इनमें ज्यादातर वह सामग्री थी जो धार्मिक भावनाओं और राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान का निषेध करने वाले कानूनों का उल्लंघन कर रही थी। इस अल्पावधि में बड़ी संख्या में आपत्तिजनक सामग्री का पाया जाना यह दर्शाता है कि सोशल मीडिया का कितना ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है। दूसरी ओर सोशल मीडिया के जरिए ऐतिहासिक तथ्यों को भी तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। ना केवल ऐतिहासिक घटनाओं को अलग रूप में पेश करने की कोशिश हो रही है, बल्कि आजादी के सूत्रधार रहे नेताओं के बारे में भी गलत जानकारी बड़े स्तर पर साझा की जा रही है। विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचनाओं का प्रसार कुछ प्रमुख उभरते जोखिमों में से एक है। यकीनन यह न केवल देश की प्रगति में रुकावट है, बल्कि भविष्य में इसके खतरनाक परिणाम भी सामने आ सकते हैं। अतः आवश्यक है कि देश की सरकार को इस विषय पर गंभीरता से विचार करते हुए इसे पूरी तरह रोकने का प्रयास करना चाहिए। आप लोग अक्सर देखते रहते हैं अपने जीवन में कि क्या होता है कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था की जो खस्ता हालत होती जा रही है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। भारत पाकिस्तान के बीच क्या चल रहा है, चाइना भारत के बीच क्या चल रहा है, उस पर फोकस रहता है। और सोशल मीडिया यानी कि जो न्यूज पेपर होते हैं आपके, फिर चाहे आपका कोई न्यूज चैनल हो, वो इसी तरह की जानकारी भी आपको देते हैं, क्योंकि उन्हें तो अपना टीआरपी बढ़ाने से मतलब है ना, पैसा से मतलब है। आपको सही जानकारी हो या नहीं हो इससे कोई मतलब नहीं है। मिर्च मसाला डालकर वो लोग इस तरह से खबरें परोसेंगे कि आप लोगों को मजा आए। और आप लोग भी क्या करते हैं कि वही अगर आपके सामने अच्छी बात चल रही है कोई, तो तुरंत आप चैनल बदल देंगे। आपको भी तो मसाला भरी खबर चाहिए। हमारी अर्थव्यवस्था की खस्ता हालत हो चुकी है, डूबने के कगार पर है, उसके बारे में कोई नहीं सोचता है। हिंदू मुस्लिम को ले लीजिए, पाकिस्तान भारत को ले लीजिए, अभी आप फेसबुक पर हजारों पोस्ट डली मिल जाएंगी, मैं हिंदू मैं मुस्लिम। देखिए एक बात याद रखिए, मैं एक कहीं पढ़ रहा था
हम लोग एक घंटा है मंदिर का घंटा, जो कोई भी आता है बजा के चला जाता है। वैसे ही हालत है हमारी, क्या फर्क पड़ता है। राहुल गांधी और मोदी दोनों चाय पीते हैं एक साथ, मायावती और देखिए अखिलेश यादव को, दोनों मिल गए। इतना सब होने के बाद भी दोनों एक हो गए। तुम्हारी भावना की क्या कदर रही, तुम फिर किसी भी जात के हो, तुम्हारी तो वही है सबसे ज्यादा मरते कटते हैं आपके कार्यकर्ता, हम तुम जैसे लोग एक दूसरे में बुराई करते हैं। वहां नेता चाय पीते हैं और समय आने पर अपने बाप को भी बदल देते हैं। अब देख लीजिए आप लोग शिवसेना और कांग्रेस महाराष्ट्र में, कि उनके दादा बाप दादा कहते कह रहे हैं कि मैं मर जाऊंगा कांग्रेस से गठबंधन नहीं करूंगा, वहां कर बैठे गठबंधन। तो ये राजनीति है, अपने पर्सनल संबंध और अपने घर परिवार जो ग्रामीण क्षेत्र हैं इस तरफ में ज्यादा देखने को मिलता है। तो अपने सगे संबंधियों से रिश्ते खराब मत कीजिएगा, समझ में है, क्योंकि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम जैसे कार्यकर्ताओं को वो पहचानते नहीं है, हजारों कार्यकर्ता लगे हुए हैं। ठीक है, तुम्हारी भावनाओं की कोई कदर नहीं है, तो अपने परिवार का ख्याल रखिए और अपनी कामों से काम रखिए। सोशल मीडिया और फेक न्यूज संबंधी नियम कानून की बात करें तो भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पहले से ही सूचना प्रौद्योगिकी आईटी अधिनियम 2008 के दायरे में आते हैं। यदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अदालत या कानून प्रवर्तन संस्थाओं द्वारा किसी सामग्री को हटाने का आदेश दिया जाता है तो उन्हें अनिवार्य रूप से ऐसा करना होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिपोर्टिंग तंत्र भी मौजूद है जो यह पता लगाने का प्रयास करते हैं कि क्या कोई सामग्री सामुदायिक दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर रही है या नहीं, और यदि वह ऐसा करते हुए पाई जाती है तो उसे प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाता है। अब आप लोगों की समझदारी यहाँ काम करती है, लेकिन आप लोग कहाँ समझदारी दिखाते हैं। कोई हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा उठ रहा है, कोई फेक न्यूज है जो जो दंगे भड़का सकती है या समाज को दो पक्षों में बांट सकती है, तो आप लोग फेसबुक पर रिपोर्टिंग का, जैसे ही आप लोग उस पोस्ट को खोलेंगे उसमें आपका रिपोर्टिंग का यानी कि रिपोर्ट करने का भी उसमें सिस्टम रहेगा। आपका यूट्यूब पर भी रिपोर्टिंग का बटन होगा, हर जगह आपका रिपोर्टिंग, तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं ना। और 2-4-10 लोग रिपोर्ट करेंगे वो सोशल मीडिया से हटा दिया जाएगा उसे, लेकिन ऐसा हम नहीं करेंगे। उसकी जगह हम लोग क्या करते हैं कि शेयर का बटन दबाते हैं 2-4 बार और 2-4 बार शेयर कर देते हैं। भारत में फेक न्यूज को रोकने के लिए कोई विशेष कानून नहीं है, परंतु भारत में अनेक संस्थाएं हैं जो इस संदर्भ में कार्य कर रही हैं। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक ऐसी ही नियामक संस्था है जो समाचार पत्र, समाचार एजेंसी, उनके संपादकों को उस स्थिति में चेतावनी दे सकती है कि यदि यह पाया जाता है तो उन्होंने पत्रकारिता के सिद्धांत का उल्लंघन किया है। न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन निजी टेलीविजन समाचार और करंट अफेयर्स के प्रसारकों का प्रतिनिधित्व करता है एवं उनके विरुद्ध शिकायतों की जांच भी करता है। ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल टीवी ब्रॉडकास्टरों के खिलाफ आपत्तिजनक टीवी कंटेंट, फर्जी खबरों की शिकायत स्वीकार करती है, उनकी जांच करती है। पर आपका सोशल मीडिया और निजता का मुद्दा रहता है, बुक है। वर्तमान परिदृश्य भारत को डिजिटल सेवाओं के लिए एक नवीन डिजाइन तैयार करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करते हैं जिसमें व्यक्तिगत तो और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों का समावेश हो। निजता संरक्षण डेटा संरक्षण से जुड़ा विषय है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी डिजिटल पहचान द्वारा इंटरनेट माध्यम का प्रयोग करता है तो उस दौरान विभिन्न डाटाओं का संग्रह तैयार हो जाता है जिससे बड़ी आसानी से उपयोगकर्ता के निजी डाटा को प्राप्त किया जा सकता है। अतः डेटा संरक्षण ढांचे के डिजाइन में महत्वपूर्ण चुनौती डिजिटलीकरण के प्रयोग से दीर्घकालिक रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना तथा इसके साथ ही गोपनीयता को बनाए रखना भी है। पर्याप्त का भारत में प्रभावी डेटा संरक्षण के लिए डेटा नियामकों के पदानुक्रम और एक मजबूत नियामक ढांचे की आवश्यकता होगी जो जटिल डिजिटल सेटअप और आम सहमति के अलावा हमारे मूल अधिकारों की रक्षा भी कर सके। इसमें अपनी तरफ से निष्कर्षता का क्या कहा जा सकता है कि पिछले वर्ष भारतीय पर्यटन
एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान ग्वालियर के अध्ययन में बताया गया कि भारत आने वाले 89% पर्यटक सोशल मीडिया के जरिए ही भारत के बारे में जानकारियां प्राप्त करते हैं। यह आपका पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है। यहां तक कि इनमें से 18% लोग तो भारत आने की योजना ही तब बनाते हैं जब सोशल मीडिया से प्राप्त सामग्री इनके मन में भारत की अच्छी तस्वीर पेश करती है। सोशल मीडिया ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को नया आयाम दिया है। आज प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी डर से सोशल मीडिया के माध्यम से अपने विचार रख सकता है, उसे हजारों लोगों तक पहुंचा सकता है। परंतु सोशल मीडिया के दुरुपयोग ने इसे एक खतरनाक उपकरण के रूप में भी स्थापित कर दिया है। इसके विनियमन की आवश्यकता लगातार महसूस की जा रही है। अतः आवश्यक है कि निजता के अधिकार का उल्लंघन किए बिना सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए सभी पक्षों के साथ विचार विमर्श कर नए विकल्पों की खोज की जाए, ताकि भविष्य में इसके संभावित दुष्प्रभावों से बचा जा सके। आप सभी से इतना ही कह सकता हूं मैं कि इस तरह की अफवाहों पर ध्यान मत दिया करिएगा। अपने परिवार की ख्याल रखिए, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, क्योंकि आपके मुंह चलाने से या मेरे मुंह चलाने से कुछ नहीं उखड़ने वाला है। नेता नेता होते हैं। अब वो नेता आप भूल जाइए, 1947 वाले नेता, अब वो नेता है कि आपकी मौत पर भी राजनीति कर देते हैं। ठीक है, आप देखते रहते हैं, तो इस अफवाहों पर मत ध्यान दिया करिए, अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए।